ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण तीन बातें हैं। इसलिए हमारी तरफ देखो, जो मैं कहूं उसको सुनो, क्योंकि आप सब जानते हो ज्यो बक्ता की बात में बात, बात में बात, ज्यो केला की पात में पात, पात में पात। अगर बाण छूट गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। हमारे सनातन धर्म संत समाज के अध्यक्ष, सनातन धर्म संत समाज के अध्यक्ष, बहुत सुंदर, स्वनाम धन्य, बब्रू वाहन सिंह, वाह वाह बब्रू वाहन सिंह, सहिरा गुरु जी के बड़े सुपुत्र, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया विराजमान, वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए हमारे यहाँ सभी संत महंत मंडलेश्वर इस यज्ञ में उपस्थित हो रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और हाँ नहीं, कोई व्यवधान नहीं, ये व्यवधान नहीं, ये तो समाधान है, समाधान। ये व्यवधान नहीं है। ये तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये तो भारत साधु समाज का महाअधिवेशन हो गया है ना, भगवान की कृपा। अच्छा तुम्हें चर्चा कर रहा था, अच्छा कहां चर्चा चल रही थी बोलो। हाँ तीन बातों पर विचार करना चाहिए, हमारे श्रोता बहुत बढ़िया है, जवाब एकदम बहुत अच्छा दे देते हैं तुरंत। तो मैं निवेदन कर रहा था तीन बातों पर विचार करना चाहिए, घर बार और कुल। लेकिन महाराज श्री जनक ने इन तीनों पर विचार नहीं किया। साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी इन तीनों पर विचार करता है, लेकिन महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी अपनी बेटी के विवाह में इन तीनों पर विचार नहीं कर रहे हैं। और बेटी भी सामान्य नहीं है, जगतोद्धारिणी, जगजीवनी, मोक्षदायिनी, भुवनेश्वरी आदि शक्ति, पराम्बा भूमजा, त्रिहुत नंदिनी, वैदेही जानकी, ऐसी जगत जननी जानकी के विवाह का निर्णय आज बिना विचार करके लिया जा रहा है, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन देखें आप ब्रह्मज्ञानी का निर्णय, उन्होंने घोषणा कर दी, सो पुरारी को दंड कठोरा, ओ राज समाज आज जुई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनही विचार बरे हटते ही, बिनही विचार। जबकि विवाह में तो विचार करना ही चाहिए, हर स्थिति में विचार करना चाहिए, क्योंकि एक संत हुए, उन्होंने कहा बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी महाराज श्री जनक आज बेटी के विवाह में विचार ही नहीं कर रहे, बिना ही विचार बरे हटते ही। इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, जो धनुष को तोड़े बस वही सीता जी के साथ विवाह कर ले। अब आप विचार करना, धनुष टूटने का संबंध अवस्था से है कि बल पौरुष से है, बोलो। बल से है ना, बल से है, अवस्था से थोड़ी है। और विवाह का संबंध अवस्था से है, बल से नहीं है, क्योंकि हम लोग अंतर करते हैं विवाह में। अगर बेटी की अवस्था 18 वर्ष की है तो 20 वर्ष का हम बेटा खोजते हैं, एक दो साल का अंतराल करते हैं। और ऐसा तो कभी होता नहीं है कि बेटी की उम्र 18 वर्ष की हो और दूल्हा की उम्र 58 वर्ष की हो, ये बेमेल विवाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और विचार करना, जनक जी ने ज्यों ही ये घोषणा की कि बिना ही विचार बरे हटते ही, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोड़ा, तो याद रखना 58, 60 और 70 साल के धनुष तोड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। प्रमाण क्या है, कह दीप दीप के भूपति नाना, आए हैं सुन हम पन थाना, हमारे प्रण को सुनकर के सब आए, कौन आए, दीप दीप के भूपत नाना।
अब आप कहेंगे कि महाराज जी ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब 58 साल के और 60 साल के और 70 साल के सब धनुष तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो इसका प्रमाण है ना। जनक जी स्वयं कह रहे हैं, बोले दीप दीप के भूपति नाना, जो भूपति नाना बन गए थे वो सब धनुष तोड़ने के लिए आए नाना। अच्छा बोलो भाई, 50 साल से ऊपर की अवस्था में ही नाना बना जा सकता है कि नहीं? गोस्वामी जी का संकेत तो बड़ा विलक्षण संकेत है, ये सब धनुष तोड़ने के लिए आए। अच्छा विचार करना, अब मुझे एक चिंतन देना है इसमें। ब्रह्मज्ञानी ने, बुद्धिजीवी ने इतना बड़ा निर्णय, ऐसा ज्ञानपूर्ण निर्णय क्यों लिया? ज्ञानी अज्ञानपूर्ण निर्णय ले तो ये अफसोस की बात है। अब पत्रकारों ने महाराज श्री जनक को घेर लिया, कहा महाराज आपको बयान देना पड़ेगा कि आप जैसा ज्ञानी ऐसा निर्णय लेने जा रहा है, ये सब 70-80 साल के राजा धनुष तोड़ने के लिए आए, मान लीजिए इत्तेफाक से किसी ने तोड़ दिया तब क्या होगा? तब क्या होगा? जनक जी ने कहा क्या होगा, धनुष तोड़े और प्रेम से हमारी बेटी सीता को ले जाए। तो पत्रकारों ने कहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन देश का राजा धनुष तोड़ रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं। तो पत्रकारों की दीर्घा अलग थी और राजाओं की अलग थी। भगवान श्री राम तो सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सुंदर मंच पर भगवान बैठे थे, सब मंचनते मंच एक सुंदर। अच्छा बोलो भाई, विवाह जब होता है तो बारातियों के लिए अलग अलग कुर्सियां डलती है, लेकिन दूल्हा वाली कुर्सी अलग ही होती है क्यों भाई, होती है कि नहीं होती है? इसलिए ये तो कंफर्म निर्णय पहले से ही ले लिया था कि सब मंचनते मंच के सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तह वंद दो बैठारे महिपाल, भगवान सुंदर मंच पर बैठे हैं। तो ये निर्णय तो कंफर्म है कि दूल्हा यही है। कौन? श्री राम जी। आप कहेंगे प्रमाण पहले गोस्वामी जी दे चुके हैं, बिल्कुल लाइन क्लियर कर दी तुलसीदास जी ने कि ये कौन है राम जी, का ये आज राम जी कौन है? बोले ये तो हरस चले मुनि बर के, मुनि बर बर के साथा, तो जनकपुर के बर श्री राम है। और बाकी ये दूल्हा जब ये सब आए, ये क्या है? ये है बर 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 बर, जो बरबराने वाले हैं। बरबराना कहते हैं बकने वालों को, जो बकने वाले हैं ये सब बैठे हैं। अच्छा जनक जी महाराज ने घोषणा की कि धनुष को तोड़िए, एक राजा उठा। अच्छा उठ ही नहीं पा रहा वो, क्योंकि उसको 4-6 लोग पकड़ करके ले गए तब बिठाला, और परमिशन जनक की ये थी कि जो धनुष तोड़ने के लिए आए वही मंच पर बैठे, जो प्रवचन करने आए वही मंच पर बैठे, बाकी सब क्यों भाई? स्वामी सत्प्रज्ञान जी यही आपका आदेश है कि नहीं? बाकी सब तो वो सब नीचे चले गए जो उठा करके लाए थे बैठालने के लिए। अब जनक जी ने कहा उठो, तब उठा ही नहीं पावे। तो गोस्वामी जी लिखे परिकर बांध, वो बैठे ही बैठे बांध रहे, तब उठे अकुलाई। तो जो इष्ट देवता आए थे कि हमारा इष्ट आराधना इतने दिन तक किया है, चलो हम इसकी कुछ मदद करें, लेकिन जैसे ही वो उठ नहीं पा रहा था तो चले इष्ट देवन सिरनाई, इष्ट ही देवता शर्मिंदित होकर सिर झुका के चले गए कि जब ये उठा ही नहीं पा रहा तो धनुष क्या तोड़ेगा। जैसे ही वो धनुष के पास पहुंचा पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसने हिला तक नहीं पाया धनुष को, लौट रहा था, दूसरे नंबर का राजा तोड़ने के लिए जा रहा था, दोनों का मध्य में क्रैश हो गया, जिससे नहीं टूटा वो उधर से आ रहा और दूसरा तोड़ने वाला उम्मीदवार इधर से जा रहा, और जब दोनों मिल गए आमने सामने तो दोनों एक दूसरे की मंगल कामना नहीं कर रहे थे। जिससे धनुष नहीं टूटा वो जाने वाले राजा की, यानी धनुष नहीं टूटा आने वाला राजा, जाने वाले राजा की ये मंगल कामना नहीं कर रहा था कि हे भगवान शंकर के धनुष यदि तुम मुझसे नहीं टूटे हो तो हमारा पड़ोसी जा रहा है इससे जरूर टूट जाना, नहीं, वो ये कह रहा था हे शंकर जी के धनुष यदि हमसे नहीं टूटे हो तो ये हमारा बगल वाला तोड़ने जा रहा है इससे भी मत टूटना, हम आपको 10 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। बस यही संसार की वृत्ति है क्यों भाई?
पहली वृत्ति तो यह है कि अपना काम बनता हो भाड़ में जाए जनता, और दूसरी वृत्ति यह है कि अगर अपना काम नहीं बना तो इसका भी नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई, यही स्थिति है ना समाज की। ये राजा एक दूसरे के विरोधी हैं, और जब क्रमशः ये राजा धनुष के पास पहुंचते हैं, धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो ये 10,000 राजाओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई। आपातकालीन बैठक हुई मिथिला में, और जनक जी महाराज तो चीखने लगे, सभा में खड़े होकर के जनक जी चीखने लगे कि अब जन को माखे भटमानी, ओ वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी ने कहा मैं तो जानता था कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर वीर रहते हैं, लेकिन आज एहसास हो गया कि वीर विहीन मही मैं जानी, इसलिए तजहुं आस निज निज ग्रह जाहू। तो ये राजा बोले अच्छा अच्छा जनक जी क्या कह रहे हैं आप। जनक जी ने कहा तजहुं आस निज निज ग्रह जाहू। तो राजाओं ने निज निज ग्रह का अर्थ ये समझा कि जनक जी ने हम लोगों के लिए अलग अलग देश के राजा के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था की होगी, जैसे आपने नहीं की, अलग अलग संतों के ठहरने की व्यवस्था अलग अलग जगह हुई है। हमारी व्यवस्था मिश्रा जी की फैक्ट्री में कर दिया ठहरू। तो मिश्रा जी की फैक्ट्री में हम ठहरे हुए हैं, है ना, भगवान की कृपा। और स्वामी कल्याणदास जी महाराज जो नए रूम बनाए गए हैं उनमें ठहरा दिया गया उनको, और हमारे बनवारी पुरी जी को, और हमारे विपिन बिहारी दास जी महाराज को, और अभी अभी आए हैं वर्तमान में हमारे असीमानंद बा, इनकी सीमा का आनंद ही नहीं है, असीमानंद है। तो असीमानंद जी की भी व्यवस्था, और भी जितने संत आए हैं सबकी समुचित व्यवस्थाएं की गई, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई, और सबको नीचे ठहराया, हमको तो ऊपर ऊपर के मंजिल पर हम ठहरे हुए हैं, है ना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, इन राजाओं ने, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग के कमजोर थे राजा, है ना, ये राजाओं ने कहा कि अच्छा निज निज ग्रह का अर्थ ये है कि आपने अलग अलग रूम की व्यवस्था की गई हो की होगी, तो पहले आप कंफर्म ये बताएं कि रेस्ट हाउस जाएं या गेस्ट हाउस जाएं, कहां जाएं। जनक जी ने कहा ना रेस्ट हाउस जाओ ना गेस्ट हाउस जाओ, सीधा बिस्तर बंद बांध के प्लेटफार्म जाओ रेलवे स्टेशन बलांगीर। हमने मालपुआ रसगुल्ला खाने के लिए बुलाया था तुम्हें कि धनुष तोड़ने के लिए बुलाया था। तुम सब कायर सिद्ध हो गए, तुमने धनुष को हिला तक नहीं पाया। इसलिए जनक जी कहते सुकृति जाए जो, मेरे सामने धर्म संकट आ गया है, सुकृति जाए जो पन पर हरहु तो कुंवरी कुमारी रह का करहू। आज मेरे सामने धर्म संकट है। जनक जी रोने लगे, जैसे महाराज श्री जनक रो रहे थे तो इन राजाओं ने कहा रोने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले हमारी क्लियर बात सुन लो। क्लियर, जनक जी ने कहा तुम लोगों की बात हम सुनेंगे ही नहीं, लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूं, पत्रकार भी सुन रहे थे, हमारा बयान है। क्या बयान है कि वीर विहीन मही में जानी, लिखिए नोट करिए। लक्ष्मण जी ने कहा अगर किसी ने हिम्मत की पत्रकार ने लिखने की तो पूरे पत्रकारों की कलम तोड़ दूंगा, समझ लीजिए अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अब जनक जी महाराज जो भी बोल रहे हैं मैं तो ये कहूंगा कि अपरिपक्व मस्तिष्क से निर्णय ले रहे हैं। क्यों भाई जनक जी ने कैसे कह दिया इस बात को। अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज की आंखें लाल हो गईं। अभी बयान नोट मत करना क्योंकि अभी क्लियर पोजीशन नहीं है, थोड़ी देर में क्लियर होगा। कहा कैसे, लक्ष्मण जी महाराज की आंखें जैसे ही लाल हुई लेकिन बोलना बंद, थोड़ा सा कह के चुप रह गए। अब सभा में सन्नाटा छा गया, इतना कहकर के चुप रह गए, कुछ और भी तो बोलना चाहिए, तो फिर समाधान तो होना चाहिए, समाधान हुए ही नहीं, बोल करके चुप रह गए। पत्रकारों ने कहा छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार कुछ तो बोल दीजिए आप।
लक्ष्मण जी ने कहा कि हम बोल नहीं सकते। कहा क्यों नहीं बोल सकते? तो आप बोलना नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने कहा इतना अच्छा बोलना जानता हूं लेकिन अभी नहीं बोल सकता हूं। कहा क्यों नहीं बोल सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। बड़े भैया राम बगल में बैठे, हम बोले तो कैसे बोले? जब तक ये कह नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे बोलने के लिए, तब तक हम बोल नहीं सकते। सत प्रज्ञानंद जी जब तक कहने के लिए, बोलने के लिए नहीं कहेंगे, हम लोग कैसे बोलेंगे? बोलो भाई। जब ये कह देते स्वामी जी अब बोलिए, तो ऑन ऑफ वाला स्विच इनके हाथ में है, है ना? और जब इनका इशारा हो जाता तो बंद करना पड़ता है भाई। बंद करना पड़ता कि नहीं? हमारे बिपिन बिहारी दास जी महाराज तो नॉन स्टाफ थे लेकिन फिर भी स्टाफ हो गया। है नहीं? करना पड़ा नहीं? तो ये स्वामी सत प्रज्ञानंद जी का पावर है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लक्ष्मण जी भी कहते बोलना तो बहुत अच्छा जानता हूं लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनबान। बड़े भैया राम बगल में बैठे, हम बोले तो कैसे बोले? राम जी भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान राम मुस्करा करके बोले, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ बोल लो। है ना? अगर कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ बोल लो। अब लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया, भगवान राम ने क्या कहा था? अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बोल लो, कुछ शब्द लगाया था। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया, कैसे बोलना शुरू किया? कह रघुबंसल जही को होई ओ तही समाज अस कहे न कोई। और धनुष की बात अगर आप करते हैं, याद रखना जनक जी, जहां एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां ये शब्द मत कहना वीर विहीन मही में जानी। यहां एक रघुवंशी नहीं, यहां तो दो दो रघुवंशी बैठे हैं और वो भी पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान दोनों वीर हैं। बोलो है कि नहीं सिंह के समान? वो ये राजा, ये सब राजा चूहे के समान वीर हैं। समझे कि नहीं? ये सब चूहे की भांति हैं लेकिन राम लक्ष्मण कैसे वीर है? पुरुष सिंह दो वीर। और जहां दो दो वीर सिंह के समान बैठे हो, रघुवंशी वीर बैठे हो, वहां ये कैसे कह दिया वीर बिहील मही में जायनी? जनक जी ने कहा तो वीर है तो धनुष क्यों नहीं तोड़ते? जनक जी ने कहा अगर वीर है तो धनुष क्यों नहीं तोड़ते? अपनी वीरता दिखानी है तो धनुष के पास दिखाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा महिमा तो, भगवान के चरणों को छुआ लक्ष्मण जी ने, महिमा तो प्रताप भगवाना। और जैसे ही धनुष की ओर देखा तो का काबा परो पिला के पुराला ओ कमल लाल जिम चाप चढ़ावो ओ जो जन सत प्रमाण ले धावो। और लक्ष्मण जी कहते हैं काचे घट सम, धनुष तोड़ने की बात छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड ही फोड़ दूंगा, पूरा ब्रह्मांड। राजा बोले लो अब ब्रह्मांड फूटने वाला है, अब हम लोग भी नहीं बचेंगे क्योंकि अब तो ब्रह्मांड ही फूटेगा थोड़ी देर में। और बोलो भाई ब्रह्मांड से अलावा कौन रहता है? सब ब्रह्मांड के अंदर रहते। राजाओं ने कहा ब्रह्मांड ही फूटने वाला है। राजाओं ने कहा ब्रह्मांड क्यों फोड़ रहे, धनुष को तोड़ो, यहां ब्रह्मांड की कोई बात ही नहीं है, तोड़ना चाहिए धनुष को, छोड़ रहा है ब्रह्मांड क्यों भाई? इसलिए जनक जी से लक्ष्मण जी कहते हैं धनुष की बात कर रहे हैं तो कमल लाल जी में चाप चढ़ावो ओ जो जन सत प्रमाण ले धावो ओ काचे घट सम दारो फोरी सको मेरा मुलक जिम तोरी। मैं कमल की डंडी की तरह धनुष को भी तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ सकता हूं? कमल की डंडी की तरह। बोलो भाई कमल की डंडी मुलायम होती है कि नहीं? कमल की डंडी बिल्कुल मुलायम होती।
और लक्ष्मण जी कहते इतना वज्रादपि कठोराणी मृदून कुष्मादपि, भगवान राम का तो स्वभाव है कि वज्र से भी ज्यादा कठोर है और पुष्प से भी ज्यादा कोमल है, ये तो हमारे प्रभु का स्वभाव है। लेकिन याद रखना, हम मृदून कुष्मादपि नहीं है, वज्रादपि कठोराणी है। लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए मैं कमल की डंडी की तरह धनुष को तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा। राम जी ने कहा सावधान, मैंने क्या कहा था कुछ बोल लो, और तुम सब कुछ बोल गए। पहले कह चुका था मैं कुछ बोलो, तुम सब कुछ बोल गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ज्यादा क्या बोला। राम जी ने कहा इससे ज्यादा क्या हो सकता, तुम कहते कहते बोलते बोलते ये भी बोल गए मैं धनुष को तोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो अभी अभी महाराज श्री जनक ये कह रहे थे ना कि सब वीर नहीं कायर हैं, अगर कोई वीर होता धनुष को तोड़ देता, तो आज मैं बता देना चाहता हूं धनुष तोड़ करके रघुवंशियों में वीर भी रहते हैं, प्रभु आपके आशीर्वाद से मैं अभी तोड़े देता हूं। राम जी ने कहा बस यही तो ज्यादा बोल गए, जब तुम ही धनुष तोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा, फिर हम फालतू ही में बैठे यहां डेढ़ घंटे से क्यों भाई, जब तुम्ही को धनुष तोड़ना था तो हम क्यों आए मिथिला में, हम तुमको साथ में इसलिए थोड़ी लाए कि तुम धनुष तोड़ना। और तुम्हें यह मालूम है कि पुष्यवाटिका में कल पुष्यवाटिका प्रसंग सुनाया था ना मैंने आपको, तो कल पुष्यवाटिका प्रसंग में लक्ष्मण जब तुमने देखा था, पहले श्रोता तो तुम ही थे ना, जब सीता राम का मिलन हुआ था और उस मिलन में तुम्हें क्या संकेत समझ में नहीं आया, चली राख और श्यामली मूरत, सीता तुमको हृदय में धारण करके गई कि मुझे क्यों, जब तुम्हें मालूम है तुम देख भी रहे थे मुझे धारण करके गई और मेरे हृदय में भी सीता बैठी हैं और मैं सीता के हृदय में बैठा हूं और कहियत भिन्न ना भिन्न, इसके बाद तुमने ये बात क्यों कही धनुष तोड़ने की। लक्ष्मण जी ने कहा कहने के पहले मैंने ये कहा था महिमा तौ प्रताप भगवान, अपने प्रताप से नहीं आपके प्रताप से तोड़ सकता हूं। तो राम जी ने कहा कि तुम ब्रह्मांड भी फोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी बोले वो भी आप ही का प्रताप, क्यों फोड़ रहे थे ब्रह्मांड, अगर फूट जाता तो दिक्कत नहीं हो जाती। लक्ष्मण जी ने कहा कहने के साथ साथ में जोश के साथ साथ मैंने कहने में होश भी रखा था, क्या होश था। लक्ष्मण जी ने कहा कहने के साथ साथ में मैं क्या कह रहा था, ब्रह्मांड को तो तोड़ूंगा लेकिन कैसे तोड़ूंगा, कांचे घट समदारों फोरी, कच्चे घड़े की तरह तोड़ डालूंगा। ये तो मैंने नहीं कहा था कि पाके घट समदारों फोरी, ये तो मैंने नहीं कहा था कि मैं पक्के घड़े की तरह फोड़ डालूंगा, कच्चे घड़े की तरह तोड़ूंगा। तो राम जी ने कहा कच्चे में और पक्के में क्या अंतर होता। लक्ष्मण जी ने कहा कच्चे में पक्के में ये अंतर होता कि पक्का घड़ा फूटने के बाद फिर बनता और कच्चा घड़ा फूटने के बाद बन जाता है, बन जाता कि नहीं। अरे राम जी ने कहा कि घड़ा जब फूटता है तो उस समय बनता है कच्चा घड़ा पुनः जब कुम्हार होता है, और अगर कुम्हार ही नहीं होगा तो फिर फोड़ डालो कौन बनाएगा, इसलिए कुम्हार तो होना चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा बुरा मत मानना, आप कुम्हार हैं। राम जी ने कहा तब तो पूरी तरह से विवाह हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुम्हारों के साथ कौन विवाह करे, सीता जी का, मैं कुम्हार हूं तुम क्षत्रिय हो मैं कुम्हार, हमको कुम्हार क्यों बता दिया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करिए मैं बता देता हूं, आप तो नाराज होने लगे। अरे कुमार कहोगे तो नाराज नहीं होऊंगा, मैंने क्या कहा था ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। ये बताइए जो घड़ा को बनाता है और मिटाता है फिर बनाता, उसे आप क्या कहते। राम जी बोले उसको कुमार कहते। लक्ष्मण जी ने कहा कि ब्रह्मांड को किसने बनाया, ब्रह्मांड की रचना किसने की ये बताओ, ब्रह्मांड को किसने बनाया। राम जी बोले ब्रह्मांड को मैंने बनाया। तो कहा जब घड़े को कुम्हार बनाता है और ब्रह्मांड को आपने बनाया तो वो घड़ा बनाने वाला कुम्हार, आप ब्रह्मांड बनाने वाले कुम्हार क्यों भाई, सही बात है कि नहीं, इसलिए आप ब्रह्मांड बनाने वाले कुम्हार हैं।
दूसरी बात यह है कि मैंने आपके बल पर कह दिया था कि मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा कच्चे घड़े की तरह, जब आप बना सकते हैं मैं फोड़ दूंगा तो आप फिर पुनः ब्रह्मांड की रचना कर देंगे, पुनः ब्रह्मांड को बना देंगे। इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बनाने वाला बगल में बैठा है तो बोलने वाले को कौन दिक्कत है ना। इसलिए मैं आपके प्रताप से बोल रहा था। राम जी ने कहा ना ब्रह्मांड तोड़ो ना तुम धनुष तोड़ो, चुपचाप बैठ जाओ बैठ जाओ चुपचाप। लक्ष्मण जी ने कहा अगर आप अन्यथा ना लें तो एक कसक निकाल दूं हृदय की, थोड़ा सा एक शब्द शेष रह गया बोलने के लिए, इस शब्द को बोलने के बाद फिर प्रभु मैं बिल्कुल चुपचाप हो जाऊंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण